बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। सो गुड टू सी यू एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर सर वसीम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट? जिस तरह बेटा आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था कि बेटा ये दोनों भाग रहे थे, दे वांट टू रन अवे फॉर सर्चिंग फॉर अ लायन ऑफ ड्रैगन्स। ऐसी दुनिया बेटा ड्रैगन्स की दुनिया हो बेटा। सो यू नो दैट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व बाई वर्ड, दे आर बीन ऑब्जर्व बाई वर्ड बट आई वॉच मैन, जो कि बेटा वो उसकी निगाह जो है ना वो एक चौकीदार की निगाह उस पर पड़ जाती है। किस पर बेटा? इन दोनों पर। तो बेटा ही वॉन्ट टू वर्ड टू स्टॉप देम, वो उसको रोकना चाहते हैं। किसको बेटा? निकोबाबेनस को और रोजी को। तो बेटा इससे पहले के वो उसको रोके तो लेट्स गेट स्टार्ट द वर्ड द लेक्चर। के इसके बाद क्या होता है बेटा, कम टू द बुक एंड वर्ड सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू कॉन्ट डू दैट एट दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग, सेड द नाइट वॉचमैन। जब बेटा उसने उसको रोका, नाइट वॉचमैन ही चौकीदार, जब उसको रोका तो बेटा वो बोलने लगा कि आप इस सुबह नहीं जा सकते, आप इस तरह नहीं कर सकते। मतलब यू कैन नॉट लीव द हाउस, यू कैन नॉट गो आउट, आप नहीं जा सकते, आप घर नहीं छोड़ सकते। किसने कहा? चौकीदार ने कहा। अब देखिए बेटा क्या होता है, बट बिफोर ही कुड ग्रैब देम, इससे पहले कि बेटा चौकीदार उसको पकड़ता। द वर्ड ऑफ ग्रैब, ग्रैब इज अ वर्ड व्हिच मींस पकड़ना, सीज, होल्ड। इससे पहले कि बेटा चौकीदार उसको पकड़ता क्या हुआ? हाँ, अब देखिए बेटा, रोजी एंड निकोबाबेनस वर स्प्रिंटिंग अवे एज फास्ट एज दे कुड। वो इतने तेज भागे जैसे बेटा जितना वो भाग सकते थे। मतलब इससे पहले कि चौकीदार जो था ना बेटा उसको पकड़ते बेटा, तो वो इतने तेज भागे जितना बेटा वो तेज भाग सकते बेटा। कौन? निकोबाबेनस और रोजी। एंड दे डिड नॉट स्टॉप रनिंग अंटिल दे हैड क्रॉस्ड थ्री ब्रिजेस। वो इतने तेज भागे तब तक ना रुके बेटा जब तक उसने क्या किया, उसने तीन ब्रिजेस को, ब्रिज मींस पुल को क्रॉस किया। इट मीन्स दे वर सो फास्ट इवन दे नेवर बी स्टॉप फॉर अ व्हाइल। And this running, they crossed toward even three bridges. तो बेटा वो इतने तेज भागे कि ऐसे भागने में बेटा जब बेटा उसको होश आया तो उसने देखा कि तकरीबन उसने क्या किया था, तीन ब्रिजेस को, तीन पुलों को क्रॉस कर दिया था। द वर्ड ऑफ क्रॉस में उबूर करना। किसने बेटा? निकोबाबेनस और रोजी ने। एंड ट्रिप्ड ओवर अ रॉक दैट वॉज लाइंग स्टीप अंडर अ गार्डन वॉल। और बेटा वो जो क्या था, जब वो बेटा भाग रहे थे तो बेटा क्या था, वो जो दीवार थी ना उसके साथ कुत्ता था बेटा, वो सो रहा था जिस पर बेटा ये दोनों उस पर ठोकर खा गए। किस पर ठोकर खाए बेटा? उस कुत्ते पर। मतलब बेटा जब ये भाग रहे थे तो उसका ख्याल नहीं था, तो बेटा भागते भागते वो जो क्या थे, इसकी जो पैर थी ना वो मतलब उसने पैर रखा किस पर बेटा, या मतलब टच हो गए एक कुत्ते पर जो कि दीवार के साथ सोया हुआ था। ओके बेटा, अब क्या होता है जरा देखिए। रोजीज बॉटल ऑफ लेमोनेड स्मैश्ड अगेंस्ट द बर्ड द बॉल एंड व्हाट द डॉग लीप टू इट्स फीट बार्किंग एज इफ इट हैड थॉट डॉग्स डूम्सडे हैड अराइव्ड। जस्ट कम व्हेन दे वर रनिंग सो सडनली दे बर्ड आई मीन्स टू बी टच एंड क्रॉस कम टू द बर्ड डॉग। बेटा जब वो भाग रहे थे तो बेटा क्या था, जब उससे टकराए, किस से टकराया बेटा? कुत्ते से। वो जो कुत्ता बेटा क्या था, वो सो रहा था। जब बेटा वो जाहिर बात है बेटा वो जब उस कुत्ते से टकराया, उस पर उसकी पैर पड़ी तो वो अचानक से बेटा कड़ा हुआ। जब कड़ा हुआ और बाँक भोंकने लगा, द वर्ड ऑफ बॉक मीन्स भोंकने लगा, और ऐसे भोंकने लगा जैसे बेटा कुत्तों की शामत आई हो बेटा, मतलब उसका बुरा दिन आया हो। वो ऐसे चिल्लाने लगे, ऐसे भोंकने लगे, ऐसे शोर स्क्रीम noise which have never been heard for a while, and they are also going to be confused what is exactly going. ऐसे भोंकने लगे बेटा जैसे लगा कि कुत्तों की शामत आई हो, उसका बुरा दिन आया हो उसके टकराने से। किसके बेटा? रोजी और निकोबाबेनस के टकराने से। अब देखिए बेटा क्या होता है, फॉर अ मोमेंट दे वर श्योर इट वॉज गोइंग टू बी बट बाय देम, कुछ लम्हे के लिए बेटा उसको लगा, द वर्ड ऑफ वर्ड मोमेंट, मोमेंट मीन्स कुछ वक्त के लिए, कुछ लम्हे के लिए, श्योर मीन्स उसको यकीन हो गया कि अब उसको काटेगा। कौन काटेगा? कुत्ता काटेगा। किसको बेटा? निकोबाबेनस को और रोजी को। द वर्ड ऑफ बाइट मीन्स काटना, मतलब कुछ, मतलब ये जब चिल्ला रहा था तो उसको लगा कि अब ये हमें काटेगा।
अब देखिए क्या होता है बेटा, बट देन इट नोटिस दैट द टू बंस दैट हैड रोल्ड इनटू द गटर एंड इट वॉज देम डाउन बट थैंक यू बेटा। वो जो क्या था अगर आपको याद है बेटा, ये जब रोजी भाग रही थी तो उसके हाथ में क्या थे बेटा, लेमोनेट का शरबत था बेटा, लेमू का शरबत था और बंस थे कुछ खाने के। तो एक शरबत तो गिर गया, लेकिन वो जो लेमोनेट थे बेटा वो जो गिर गए थे तो कुत्ता उसके पीछे भाग, मतलब उसके उसको देख कर क्या था, उसको भौंक रहा था। तो बेटा उसको क्या हो, उसको काया। वो जो रोजी के बेटा क्या थे हाथ में जो लेमोनेट थे बेटा वो जब गिर गए तो कुत्ता उसको देख कर भौंक रहा था। तो अगर जब उसको काया तो वो भाग गया, वो चुमीस। देन द डॉग हैज बर्ड साइलेंट, कीप साइलेंट फॉर अ वाइल, थैंक यू एंड रन ऑफ टू टेल इट्स फ्रेंड। और बेटा वो उसका शुक्रिया अदा किया, किसका बेटा, कुत्ते का। मतलब जब उसने उस बंद को काया तो वो खामोश हो गया, तो इसके बदले में उसने क्या किया, उसका शुक्रिया अदा किया और भाग गए। वी आर नॉट गोइंग टू गेट फार विदाउट सप्लाईज, से रोजी ग्लूमली। अब देखिए जब भाग रहे थे तो रोजी ने कहा कि हम बगैर सामान के नहीं भाग सकते। ग्लूमली भी बड़ी उदासी से, परेशानी से, बट द वेरी सैड, हु सैड दिस वर्ड, दिस वर्ड आर एक्सप्रेस बाय रोजी दैट वी कैन नॉट बी रन ओके फॉर मोर विदाउट वर्ड विदाउट सप्लाईज, कि हम अब भागने और मजीद नहीं भाग सकते बगैर सामान के। जाहिर जाहिर बात है, व्हेन वी रन सो वी आल्सो नीड टू टू टेक समथिंग फॉर ईटिंग, वी शुड नीड टू हैविंग समथिंग टू ड्रिंक टू टेक टू ईट। हमें जाहिर बात है, हम जब भागेंगे तो हमें कुछ ज़रूरत पड़ेगी खाने की, पानी की, शरबत की। हम इसके बगैर नहीं भाग सकते। किसने कहा, रोजी ने कहा। अब देखिए बेटा क्या होता है, आई वंडर इफ आई कुड पिक अ फ्यू ऑफ दोस, मैं हैरान हूँ। द वर्ड ऑफ वंडर मीन्स हैरान, मैं हैरान हूँ अगर मैं कुछ मैं कुछ तोड़ दूँ, चंद उनमें से कुछ को तोड़ दूँ। मतलब जाहिर बात है उसने तोड़ दिए। वो क्या थे बेटा, वो लेमोनेड शरबत भी गिर गया और जो क्या थी बेटा वो बंस थी वो भी, वो तो कुत्ते ने खा ली। बट दे डोंट हैव एनी थिंग्स, उसके पास तो कुछ नहीं था। वी आर आई वंडर इफ आई कुड पिक ऑफ अ फ्यू ऑफ देम दोस्त, मैं हैरान हूँ अगर मैं इसमें से कुछ को खाऊं। अब देखिए सेठ गोविंद ने कहा, गेजिंग अप एट एन एप्पल ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द गार्डन वॉल। तो बेटा ये क्या थी, उसकी जो नज़र थी ना बेटा वो क्या थी, दीवारों के साथ जो बाग था सेबों का उस पर पड़ी। तो गोविंद ने कहा अगर मैं इनमें से कुछ काट दूँ, काट मतलब कुछ अपने साथ, मतलब कुछ सेब जो ना वो क्या करूँ बेटा, वो हाँ उसको मतलब अपने साथ ले, मतलब इस दरख्त पर चढ़ जाऊँ और उसको क्या करूँ मेरा, इसको तोड़ दूँ। किसको तोड़ दूँ, सेब को। उसकी जो नज़र थी ना मेरा, जब वो भाग रहे थे तो रास्ते मेरा एक बाग आया, उसकी जो नज़र थी ना ऑटोमेटिकली उस बाग पर पड़ गई। तो वो कहने लगा कि अगर हाँ अगर मैं से कुछ को क्या करूँ, तोड़ दूँ, किसको, सेब को। तो मेरा क्या, ऑफकोर्स यू कैन, बिल्कुल यकीन तुम कर सकते हो, ऑफकोर्स नहीं यकीन, किसने कहा, रोजी। देखिए मेरा अब रोजी उसको बड़का रही है, गेम वर्क करेज, कि हाँ यू कैन, आप कर सकते हो, यू आर ब्रेव, क्या बात रहो, खुद तो कुछ नहीं कर सकती। उसको बेटा वर्गला रही है, मैकेम वर रियलाइज दैट यू आर बींग अ बॉय, यू कैन डू दैट। वैसे तो बेटा आप जो लड़के हो आप कर सकते हो, हाँ तोड़ दो। अब देखिए बेटा क्या होता है, स्टैंड ऑन माई शोल्डर, हाँ मेरे कंधों पर खड़े हो जाओ, स्टैंड ऑन माई शोल्डर मीन्स मेरे कंधों पर खड़े हो जाओ। अब देखिए बेटा क्या होता है, सो निकोबिन स्टूड ऑन रोजी शोल्डर एंड क्लाइम्ड इनटू द वॉल। तो बेटा उसने उसी तरह किया जो निकोबिन था, वो रोजी जो गया बैठ गई और उसके कंधों पर वो सवार हो गया। किसके कंधों पर बेटा, रोजी के कंधों पर वो सवार हो गया और चढ़ने लगा। द वॉल ऑफ क्लाइम्स, चढ़ने लगा किस पर, दीवार पर। अब देखिए बेटा क्या होता है, बट ट्री वॉज फर्दर अवे देन ही टॉर, लेकिन मेरा जो क्या थी दरख्त है वो मजीद क्या थी बेटा, दूर थे, फर्दर मीन्स मजीद, अवे मीन्स बहुत दूर थे। अब देखिए क्या होता है, एंड एज ही रीच्ड आउट, जैसे बेटा वो बाहर पहुंच गया, रीच आउट मीन्स बाहर पहुंचना, जब वो पहुंच गया ही लॉस्ट हिज बैलेंस। तो बेटा जाहिर बात है वो तवाजन खो बैठा था, मतलब वो तवाजन खो बैठा था, तवाजन मतलब वो जो दीवार पर चढ़ रहा था तो वो इम्बैलेंस हो गया। अब देखिए क्या होता है, एंड फेल विद अ क्रैश, और नीचे गिर गया, क्रैश मीन्स टकरा गया, नीचे गिर गया एक आवाज से, डाउन एंड टूवर्ड द मोस्ट मैग्निफिसेंट गार्डन ही हैड एवर बीन इन, और एक से अजीब, एक से खूबसूरत, एक शानदार क्या था मेरा बाग में, जो उसने कभी ख्वाबों में नहीं देखा था।
It means he were low, lost his balance and were fell into the world in a garden which had never be were to be come in his world and dreams ever in his life. तो मेरा जब उसको देखा तो मेरा वो जो चल रहा था तो चलते चलते मेरा उसका जो बैलेंस था ना वो उसने अपने बैलेंस को खो दिया और नीचे गिर गया बाग में. जब देखे ऐसा खूबसूरत बाग था जो कि मेरा उसने ख्वाब में भी नहीं देखा था, ख्वाब में भी मेरा नहीं सोचा था. कौन गिर गया मेरा नकबेंस हैज बीन ड्रॉप आर वॉल एंड टू द वर्ल्ड एंड दैट वॉल. सो इट इज़ एनफ फॉर टुडे. तो मेरा आज के लिए काफ़ी मेरा, और मुझे यकीन है कि आपके दिन जहन में कुछ आया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के बेटा यू विल हैव टू बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम वे फ्रॉम द सेम पैराग्राफ. तो तब तक के लिए बेटा खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच बीइंग विद अस. थैंक यू.